आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने प्रयास के चलते एक नज़ीर पेश किया है ज़मीन को बचाने का, साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का। मध्य प्रदेश में पिछले 2016-17 वर्ष जुलाई में लगाए गए पौधे अब भले ही बहुत कम देखने को मिल रहे हों, लेकिन गोटेगांव के एक सरकारी कर्मचारी ने अपने मेहनत के बूते 800 पौधे तो लगाए ही, साथ ही उन्हें बखूबी जीवित भी रखा, वह भी ऐसे इलाके में जहां भीषण जल संकट है। देखिए विश्व जल दिवस पर नरसिंहपुर की गोटेगांव से हमारी एक खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का सपना सजोया था, पर आज हालात यह है कि बहुत सी जगह पौधे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं कहीं कुछ निशानियां ही शेष हैं। लेकिन ऐसे दौर में गोटेगांव के एक छोटे से पहाड़ी खेड़ा गांव में वन विभाग के एक अधिकारी ने वो कर दिखाया जो आज इस दौर में किसी मिसाल से कम नहीं है। पहाड़ी खेड़ा की डिप्टी रेंजर रविशंकर सोनी ने पिछले साल इस इलाके में करीब 800 पौधे लगाए और उन्हें बखूबी संजोया। खास बात यह रही कि इन पौधों को रविशंकर ने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और आज हालात ये है कि 800 के 800 पौधे आज भी जीवित और स्वस्थ अवस्था में हैं। रविशंकर का कहना है कि उनका इस साल रिटायरमेंट था जिसके चलते उन्होंने नौकरी के अपने अंतिम दौर में ये सार्थक प्रयास किया। रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा हो गया था। आने वाले समय में इन पौधों से बनने वाले पेड़ों को रवि का और बेहतर साथ मिल सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने के फैसले से रविशंकर खासे खुश हैं। उन्हें अब इन पौधों के पेड़ बनने तक का मौका मिला। क्या कहेंगे, इतना कठिन गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं है और यहाँ पे जीवंत रखा इन पौधों को, कैसी क्या मेहनत लगती है, कितनी परेशानियाँ जाती हैं, क्या कहेंगे? मेहनत तो बहुत है जी, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से आजू बाजू से पानी मिल जाता है तो उस कारण से डिप्टी साहब के मतलब जो मुख्य भूमिका वो निभाई है उन्होंने वृक्षारोपण में इसी सफलता में, तो उनके सहयोग से वृक्षारोपण अच्छा है। कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें? 800 पौधे लगे हुए थे जी। और इस वर्ष 1200 पौधे लगे हैं जिसमें से दोनों जगह 800 और 1200 मतलब टोटल 2000 पौधे जिंदा हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह तोमर, वन रक्षक है। कहाँ बीट है? मेरी बीट खुर्सी पार है और यहाँ पे मैं डबल प्रभार में। रविशंकर के साथ एक पौधे रक्षक ने उनका साथ दिया और पिछले 1 साल के लगातार मेहनत के बाद इन पौधों को बेहतर खाद बीज दिया गया जिसके चलते आज इस इलाके में ये लहलहा रहे हैं। खास बात यह है कि इलाके में भीषण जल संकट है, बावजूद इसके दूर से पानी लाकर इन्हें वह सब प्रदान किया गया जिससे पौधे अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि पर है और अब वह दिन दूर नहीं जब यह पौधे पेड़ बनकर छाया व फल देंगे। मेहनत तो बहुत है जी, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से आजू बाजू से पानी मिल जाता है तो उस कारण से डिप्टी साहब के मतलब जो मुख्य भूमिका वो निभाई है उन्होंने वृक्षारोपण में इसी सफलता में, तो उनके सहयोग से वृक्षारोपण अच्छा है। कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें? 800 पौधे लगे हुए थे जी। और इस वर्ष 1200 पौधे लगे हैं जिसमें से दोनों जगह 800 और 1200 मतलब टोटल 2000 पौधे जिंदा हैं। अच्छा, वृक्षारोपण कराने के लिए टारगेट मिला था जिसमें हमको 800 पौधे दिए गए थे जिसमें आम है, जामुन है, नींबू है, बहेड़ा है और आंवला है, जाम है, अन्य फलदार पौधे लगाए गए थे। 800 पौधे में आज की तारीख में 800 पौधे जिंदा है। कितना कठिन है, इतनी यहाँ पर गर्मी पड़ती है? यहाँ बहुत ज़्यादा कठिन है, पौधों को जीवित रखना बहुत ज़्यादा पड़ती है। इधर उधर से पानी की व्यवस्था कर सिंचाई की जा रही है। रविशंकर ने यहाँ की पथरीली जमीन को पौधों के अनुरूप तैयार किया, फिर पौधों के लिए बेहतर माहौल दिया। बात साफ है कि पौधों के साथ साथ जमीन को भी सुधारा गया। ऐसे में जरूरत है कि आने वाले समय में रविशंकर जैसे सार्थक प्रयास सारे प्रदेश में होते रहे जिससे जमीन के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा तो की जा सके, साथ ही सरकार की योजनाओं को चूना न लगे बल्कि उन अधिकारियों के लिए रविशंकर एक सबक बनकर सामने आए जिन्होंने पौधे तो लगाए लेकिन पौधे की रखवाली में कोताही बरती और हालात ये हुए कि पौधे तो बचे नहीं और जमीन की हालत बद से बदतर हो गई। ऐसे दौर में रविशंकर सरकार के साथ साथ उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बढ़िया सबक हैं जो कीर्तिमान से ज़्यादा सार्थकता के लिए मेहनत करते हैं। नरसिंहपुर से नरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।